Once again, welcome back to your art mind. So open the page number 5th of your art mind book. See, here are 3D shapes to draw, okay? यहाँ पर हमें 3D shapes बनाने हैं जिसमें से हमारे पास arrows दिए गए हैं. अब आप सबसे पहले एक काम कीजिए, अपनी scale उठाइए और साथ ही एक pencil. Okay? अब स्केल से हमें पूरा काम करना है. आप चाहें तो हाथ से कर लें, नहीं तो हम आज स्केल से काम करते हैं. सबसे पहले आपको दो लाइंस लगानी है, एक यहाँ और एक यहाँ. गॉट इट? लाइन यहाँ से सीधी कर लें और एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लें. अब दोबारा नीचे से एक लाइन लगा लें और अब ऊपर से आपको मेजर करना है. ठीक है, आपको देखना है कि आपकी लाइन सीधी आ रही है या नहीं. अब हमने देखा हमारी लाइन जो है वो सीधी आ रही है. ठीक है, अब यहाँ हमें एरो बनाना है और फिर इस तरह से ऊपर ट्रायंगल की तरह हमें बनाना है. ओके, इट्स ओके. अगर आपकी एक्स्ट्रा लाइन आ जाती है जैसे मेरी आ रही है तो आप उसको इरेज कर दें, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर होती रहती हैं. ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस जगह पर डॉट्स लगाने हैं, यहाँ यहाँ. ओके, अब डॉट बाय डॉट इनको मिला दे जाएं. ये डॉट थोड़ा पीछे आएगी. ठीक है, इसके बिल्कुल बराबर में हमने दे दिया, ये गलत होगा. थोड़ा पीछे डॉट लगाकर फिर लाइंस को यूं मिलाना है. और ये हमारा एक 3D शेप तैयार है. ठीक है, अब हम दूसरा एरो बनाते हैं. आइए देखते हैं. सबसे पहले आप यहाँ पर लाइंस लगाएंगे फिर इधर से एरोज ड्रा कर लें. सो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देखें हमारे पास जैसे डबल एरोज बने हुए हैं. थोड़ा सा आपको मैं डार्क करके दिखा देती हूँ ताकि आपको नज़र आए. ये इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पर बनाना है. ठीक है, एक लाइन लगाएं यहाँ तक, दूसरे यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए और फिर ऐसे. ये हमारा एक एरो बन गया. अब हमें दूसरा एरो बनाना है बिल्कुल इसी तरीके से.
So students, as you are watching, that our activity has been done. So we will be right back with our new activity of thumbprinting. Take care. Allah Hafiz.